कि हम लोग का जो मूवमेंट टिपरा लैंड और ग्रेटर टिपरा लैंड का है वो ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। तो आज अगर हम लोग दोनों IPFT और टिपरा मोथा एक हो जाए तो हम लोग का मूवमेंट स्ट्रांग होगा। हमको अपने पार्टी के बारे नहीं सोचना है, अपने तिपरासा के बारे सोचना है। और जैसे तेलंगाना में जब तेलंगाना का मूवमेंट हुआ था, जैसे झारखंड का जब मूवमेंट हुआ था, जैसे जब उत्तराखंड का मूवमेंट हुआ था, छत्तीसगढ़ का मूवमेंट हुआ था, वहाँ में कांग्रेस, BJP, तेलंगाना राष्ट्र समिति, TDP सब लोग या JMM, RJD सब लोग ने कहा कि हम अपने पार्टी के बारे नहीं सोचेंगे, हम अपना अलग स्टेटहुड के बारे डिमांड करेंगे, सब एक हो गए। तो यहाँ में भी अगर IPFT वही डिमांड कर रहा है जो तिपरा मोथा डिमांड कर रहा है, अगर राधाचरण के दिल में एक मंशा है कि तिपरा सा आगे बढ़े, अगर BJP के अंदर जिष्णुकर्ता के अंदर में एक सोच है कि हमारा तिपरा सा आगे बढ़े, तो क्या प्रॉब्लम है कि हम लोग सब एक नहीं होकर एक ही डिमांड दिल्ली में उठाएं? क्योंकि ये लोग जो बोलते हैं कि आपको स्टेटहुड नहीं चाहिए, आपको डेवलपमेंट देना है, 70 साल से आपके पास पावर था, कांग्रेस हो या BJP हो, 70 साल से आपके पास पावर था, CPM के पास भी था। हमको तिपरासा को क्या मिला? हम क्यों विश्वास करें कि जो 70 साल से चल रहा है वो अभी अगला 5 साल नहीं चलेगा? तो इसके लिए हमने कहा है कि हमारा भविष्य हमारे खुद के हाथ में होना चाहिए। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये पावर देता है कि हम ये डिमांड कर सकें, तो हम ये डिमांड करेंगे। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी है। और इसमें जैसे कि आज ये लोग ने ज्वाइन किया है, सीनियर लीडर से मैंने इनको पहले से जानता हूँ इनको, तो इसी तरह मैं फिर से अपील करता हूँ GMP को, ST सेल को, जनजाति मोर्चा को और हमारे IPFT को, जो हम लोग बहुत ही मतलब कि 99% एक ही है। आप